वालेकुम आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी आज हम बनाएंगे कॉल स्लो सलाद की रेसिपी ये बहुत ही खाने में टेस्टी रेसिपी बनती है बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी क्योंकि हमने रेसिपी को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हम किस तरह इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर डेढ़ कप मैं लूँगी कैबिज बंद गोभी का लूँगी और एक कप चाहिए मुझे कद्दूकश की हुई गाजर और उसके साथ ही मुझे चाहिए एक कप सिंपल वाले मेवन इसका हम यूज़ करेंगे थ्री टेबल स्पून मैं लूँगी यहाँ पर क्रीम और उसके साथ मुझे चाहिए वन टी शुगर और हाफ़ टी स्पून नमक हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैं मेयोनीज को ऐड करूँगी और उसके बाद जो जो चीज़ें होंगी हम सारी वन बाय वन करके ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर मैंने मेयोनीज को ऐड कर दिया अब मैं डालूँगी क्रीम क्रीम डालने से बहुत ही रिच फ्लेवर आता है ये आपने ज़रूर ऐड करनी है बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी शुगर वन टी स्पून यहाँ पर मैंने मोटी वाली चीनी का यूज़ किया है और आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं इसके साथ ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया इन सारी चीज़ों को बीटर की हेल्प से मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर दूंगी ये मिक्स हो चुका है अब मैं ऐड करूंगी गाजरें जो मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी एक कप मुझे चाहिए ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और अब मैं डालूंगी बंद गोभी कैबिज का हम यूज़ करेंगे ये सैलड बहुत ही मज़े का बनता है आप इसको ईज़ीली खाली भी इंजॉय कर सकते हैं या किसी चीज़ के साथ भी ऐड करके बर्गर वग़ैरह आप बनाएं तो उसमें भी आप ऐड करके या उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी ये देखें यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और यह बहुत ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन जाएगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे क्योंकि हमारी ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है ये बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है इसको हम सर्व करेंगे ये देखें यहाँ पर मैंने सारे सलाद की सेटिंग कर दी है और ऊपर से यहाँ पर मैंने टमाटर के फूल बना के रखे हुए थे और इसके साथ हम खूबसूरत सी डेकोरेशन कर देंगे ये हो चुकी है हमारी रेसिपी कंप्लीट। और लास्ट में आप इसका छोटा सा क्लिप देखें और मुझे यहाँ पर इजाज़त देंगे हम किसी और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़